नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जब बात चुनावी चालों की होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम कभी पीछे नहीं रहता है। अब देखिए, वो यहां बैठे बैठे यानी कि यूपी में बैठे बैठे ही झारखंड में भाजपा के लिए माहौल बना रहे हैं, गेम सेट कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कैसे यूपी से निकले बिना झारखंड में भाजपा की सियासी परेड वो तैयार कर रहे हैं। दरअसल यूपी में यूपी सरकार ने तय किया है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन इस बार इस जनजाति भागीदारी उत्सव के रूप में इसे बनाया जाएगा। धूमधाम से इसे पूरी तरीके से मनाया जाएगा। और हाँ, ये उत्सव 15 से 20 नवंबर तक लखनऊ में होगा, यानी कि झारखंड चुनाव के एकदम पास। मतलब यूपी से योगी बाबा ने झारखंड के आदिवासी वोटरों तक अपनी आवाज पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ में होने वाले इस जश्न में जनजातीय संस्कृति के रंगीले जलवे देखने को मिलेंगे, जो आदिवासी जीवन की झलक, उनकी कला, संगीत और नृत्य देखने को मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि 300 से ज्यादा जनजातियां कलाकार, हस्तशिल्पी, बुनकर, चित्रकार हरियाली खुशबू और रंग बिरंगे परिधान लेकर यहां पर आएंगे। योगी आदित्यनाथ इस सांस्कृतिक ओलंपिक्स का शुभारंभ भी करेंगे और ये धमाल मचाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय के हस्तशिल्प उत्पाद और परिधान बिकने के लिए भी रखे जाएंगे। अब समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बैठकर कैसे झारखंड के आदिवासी समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए कूटनीतिक शतरंज का जो खेल रखा है वो किसी भी सियासी दाव से कम नहीं है। यूपी में रहते हुए झारखंड में भाजपा की बढ़त बनाने की उनकी योजना पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए जो ये कदम उठाया है वो जनजातीय समुदाय और गौरव और उनके अधिकारों पर आधारित है। बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के लिए न केवल एक ऐतिहासिक नायक है बल्कि उनके आदर्शों पर आधारित राजनीति करने का यह अवसर भाजपा के लिए वोटों की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण धारा को अपने पक्ष में मोड़ने का एक तरीका है। ये न केवल आदिवासी समुदाय के बीच भाजपा की छवि को बेहतर बनाएगा बल्कि भाजपा को झारखंड में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का मौका भी देने वाला है। यानी कि यूपी में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि कैसे वो झारखंड की राजनीति में भाजपा के लिए परचम लहराने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।